हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस टेक फ्राइडे आप सबका स्वागत है इस टेक फ्राइडे में और इस टेक फ्राइडे में मैं कुछ रेली really एक अमेजिंग एक अमेजिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए तो हम लोग जो है गोल्स बनाते हैं वी ऑल सेट गोल्स वी अंडरस्टैंड कि जो हमें सिखाया गया है कि इन लाइफ टू प्रोग्रेस वी मस्ट क्रिएट गोल्स सो बट क्वेश्चन ये आता है कि इफ़ यू रियली बिलीव इन द गोल्स दैट यू सेट एंड इफ यू डोंट बिलीव इन द गोल्स अगर आप उन गोल्स को जो सेट कर रहे हो अगर आप उनमें बिलीव ही नहीं करते तो क्या आप उनको अचीव कर पाओगे ओके okay. तो वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस टॉपिक तो ये भी मैं एक बड़े यूनिक तरीके से आज डिस्कस करेंगे हम और इसके लिए हम कुछ मूवीज की मदद लेंगे तो वी विल ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम टू मूवीज टू आंसर दिस क्वेश्चन तो लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए हमें बोला गया है कि गोल्स और टारगेट सेट करना जरूरी है तो शूट फॉर द मून एटलीस्ट यू विल बी अमंग्सार बड़े से बड़े गोल्स बनाइए तो बड़े से बड़े बिगर एंड बेटर नेवर स्टॉप वर्किंग एंड नेवर बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव बट इसका साइड इफेक्ट क्या होता है इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि नो no मैटर कि आप कुछ भी अचीव कर लें आप कभी भी हैप्पी नहीं होंगे कभी भी फुलफिल्ड नहीं फील करेंगे जब एक चीज आपके पास आ जाती है तो फिर दूसरी चीज की चाहत होने लगती है राइट right. एंड uh, इसका एक और साइड इफेक्ट है कि यू विल नेवर क्रिएट व्हाट इज रियली पॉसिबल और आप कभी भी वो चीज क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो कि रियलिटी में पॉसिबल थी और कभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे उसका रीजन क्या है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि जो गोल्स हम क्रिएट कर रहे हैं जो टारगेट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो आई गलत जगह से रहे हैं सो दे आर कमिंग फ्रॉम द रोंग प्लेस ओके okay, तो वो आ रहे हैं एक ऐसी जगह से जो कि खुद फ्लॉड है और उसकी वजह से जो गलत जगह से आने की वजह से वो लिमिटेड होंगे और हो सकता है कि आप गलत चीज को टारगेट कर रहे हो तो इसको देखने के लिए क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये कैसी अजीब सी बातें कर रहा है संजीव तो हम ड्रॉ करेंगे इंस्पिरेशन दो मूवी से तो पहली जो मूवी है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप तैयार करी है इस मूवी का नाम है द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी पार्ट 1 इनफैक्ट ऐसी मल्टीपल मूवीज थी ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवीज थी 1984 में ये मूवी लॉन्च की गई थी तो लेट मी लेट मी शेयर दिस वीडियो विद यू जस्ट गिव मी अ मोमेंट तो ये जो मूवी है ये गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 1984 की मूवी थी तो ये इस बुशमन के बारे में इसका नाम जी है और ये जो uh, ये जो बुशमन है जी तो ये छोटे से विलेज में रहते हैं कालाहारी डेजर्ट के अंदर तो ये देखेंगे आपकी ये इनका बिल्कुल जो रहने का तरीका एकदम आप समझ सकते हैं ट्राइबल्स की तरह से है ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं इनको कोई मॉडर्न वर्ल्ड का पता भी नहीं है इनको कोई मतलब भी नहीं है और ये अपना खुद ही हंटिंग करके जंगली जानवर को मार करके शिकार करके ये अपना खाना प्राप्त करते हैं और ये देखेंगे कि इनको ये भी नहीं पता कि दुनिया एक्चुअली में गोल है इनको उससे कोई मतलब ही नहीं है बस ये डे टू डे तो ये अपने डे टू डे के जीवन के अंदर में व्यस्त हैं तो आप देखेंगे कि ये अपने डे टू डे जीवन में व्यस्त हैं अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं तो कैसे जीना है इनको कुछ नहीं पता दुनिया गोल है ये भी नहीं पता एक दिन जो मूवी का हीरो है इसका नाम जी है ये शिकार के लिए जा रहा था और इसने आसमान में देखा कि एक अजीब सी चिड़िया उड़ रही है और ये देखेंगे आप कि इसमें एक्चुअली पायलट ना कोक पी रहा था और पीने के बाद में उसने क्या करा उसने कहा नीचे डेजर्ट है बॉटल भारी फेंक देता हूँ अब ये बॉटल आवाज करती हुई नीचे आई और आ करके जी के सामने गिर गई अब जब उसके सामने गिरी तो वो देख के उसको बहुत ही अचंबा हुआ कि ये क्या चीज आ गई और इसको ऐसा लगा कि ये भगवान ने कुछ इसके लिए भेजा है कोई अजीब सी वस्तु भेजी है तो पहले तो डरा इसको फिर उसने इसको पकड़ा देखा और उसने कहा कि क्या अचंबा हुआ उसको कि ऐसी क्या चीज है क्योंकि इन्होंने कभी कांच नहीं देखा था तो ये ट्राइबल्स ने कभी कांच नहीं देखा था वो वापस अपने गांव लेके आया और सभी लोग देख करके बड़े हैरान थे कि ये भगवान ने उनके लिए क्या भेजा है तो उसको टच करके और उससे हर तरीके से इन्होंने देखा और इतनी सुंदर वस्तु उन्होंने कभी नहीं देखी थी तो उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने की शुरुआत करी इन्होंने कभी चमड़ी को सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने ये देखिए शाम की चमड़ी को सीधा कर रहे हैं कभी उससे ये कुछ सुंदर डिजाइन बना रहे हैं तो इन्होंने हर तरीके से देखिए ये किसी चीज को मैश करने के लिए दबाने के लिए ये देखिए तो हर आदमी को इसकी जरूरत पड़नी लग गई हर एक आदमी को ये वस्तु वस्तु जो है ये भाने लगी बहुत सुंदर लगने लगी काम की लगने लगी और धीरे धीरे देखेंगे आप कि हर एक पर्सन को ये वस्तु चाहिए थी और बहुत जल्दी बहुत जल्दी इस वस्तु को लेकर के ना लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए आप देखेंगे कि एक दूसरे को लोगों ने मारना शुरू कर दिया क्योंकि एक ही थी है और अक्सर में आप देखेंगे कि ऐसे ही हमारे साथ होता है हम भी इन्हीं चीजों के लिए लड़ रहे होते हैं कि पैसा मेरे पास कैसे आ जाए ये मेरे पास कैसे आ जाए तो ये देखेंगे आप कि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब देख करके जो ये जी है जी को ऐसा लगा कि ये जो आ, ये जो वस्तु भगवान ने भेजी है ये गलती से भेज दी है और ये एक ईवल वस्तु है ठीक है ना ये सही नहीं है और इसकी वजह से लाई झगड़े हो रहे हैं तो इसने ना भगवान को वापस देने की कोशिश करी कि आप ये वापस ले लो अब वो ऊपर आसमान से आई थी तो आसमान में ही फेंका और ये देखेंगे आपकी वो जैसे उसने फेंका उसको आसमान में वापस आ गई तो उसने सर बचा के इसने साइड हो गया फिर इसने दोबारा कोशिश करी और ऊंचा फेंका कि शायद मैंने कम ऊंची फेंकी थी और इस बार जो है वस्तु ये देखेंगे आपकी उसकी के बेटे के सिर में लग गई तो देखें कि उसको उठा के ले गया उसने कहा कि ये भगवान ये आपने मुझे कैसी वस्तु दे दी ये हम सबको परेशान कर रही है और हमारे सबको इसने पूरी कम्युनिटी को खराब कर दिया लोग इसके पीछे लड़ झगड़ रहे हैं सब लोग बड़े सैड थे तो उसने ना ये एक मीटिंग बुलाई शाम को कम्युनिटी की और उसने कहा कि ये वस्तु जो है ये भगवान से ना गलती से आ गई है और मेरे को इस वस्तु को वापस देने के लिए जाना पड़ेगा तो ये गांव से निकल गया और ये वापस चला गया कहता है कि मैं ना दुनिया का कोना ढूंढ के आऊंगा और दुनिया के कोने के बाहर इसको फेंक करके आऊंगा अभी कुछ उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दिखाते हैं तो कुछ मैं आपसे शेयर करता हूं तो जैसे ये उस वस्तु को लेके बाहर जा रहा था तो साथ में देखा कि कोई एक गनमैन बैठा हुआ था उसकी ये गन उठा ली कहता है ये तो बड़ी अजीब सी लकड़ी है बड़ी अच्छी लग रही है जब उसने उठाई तो वो सामने गनमैन जो है वो देख के भाग गया फिर उसको एक स्कूल टीचर दिखाई दी तो जब स्कूल टीचर को उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता है यही भगवान हो क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा कोई टीचर देखा ही नहीं था कि एकदम चमड़ी बिल्कुल सफेद और एकदम गोल्डन से बाल वो कहता है हो सकता है यही भगवान हो तो उसने वो जो वस्तु है उसने कहा भगवान आप ये ना ये वस्तु को वापस ले लो ठीक है ना ये आपने गलती से दे दी है टीचर घबरा गई उसने कहा ये कौन पागल आदि मेरे पीछे पड़ गया क्योंकि उसकी भाषा तो समझ में आती नहीं थी तो साथ में ही टीचर के साथ में ये दूसरा टीचर था वो देखा, देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो है तो धुआं निकल रहा है उसने इसको ये बॉटल देने की कोशिश करी कि ये ना भगवान आपने ना ये गलती से मुझे दे दी है अब क्योंकि इसको भी उसकी भाषा समझ में नहीं आई कि ये मुझे ये खाली कोकी बॉटल क्यों दे रहा है उसने उसको मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए तो वो बड़ा ना बड़ा परेशान हुआ कहते कि यार कमाल हो गया ये भगवान ले ही नहीं रहे इतनी देर में एक और आदमी आया तो ये देखेंगे कि ये कहता कि ये ये कहता किस प्रकार के जानवर पे एक और भगवान आ रहे हैं जिनकी एक ऑरेंज कलर की चमड़ी है और ये किस तरह का किस तरह का जानवर है जो जो कि इसके गोल 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 टांगे हैं इसकी और चांस की बात ये थी कि जो ये आदमी आया था ये समझता था दुश्मन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज जानता था तो इसको भी जो है बुशमन ने बुशमैन ने वो ऑफ़र की बॉटल ऑफर करी ओके इसने भी बुशमन ने इसको बॉटल ऑफर करी कि जी आप ये प्लीज़ वापस ले लीजिए और इसको समझाया कि भी ये आपने गलती से फेंक दी है और ये हमें नहीं चाहिए इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है बट इसने भी उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं ये बॉटल का मुझे कोई यूज़ नहीं है तो ये सुन करके मायूस होकर के ये बुशमैन जो है वहां से भी चला गया तो आप देख रहे हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पूरी मूवी जरूर देखिएगा आप तो ये निकल पड़ा फिर से जंगल के अंदर से फिर से निकला फिर से जाने लगा और और दूर और दूर और फाइनली वो आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा है जिसमें कि एक वो माउंटेन की एकदम कोने पे आ गया और वहां से उसने जो ये बॉटल है देखिये वहां से उसने ये बॉटल फेंक दी उसने ये लगा कि हाँ यही शायद दुनिया का अंत है तो इस बुशमैन के लिए यही दुनिया का अंत था और से इसने ये बॉटल को फेंक दिया ये देखिए तो इधर से इसने ये बॉटल को फेंक दिया और वापस अपने गांव आ गया और उसको मिलकर के सब लोग बहुत खुश हुए राइट तो ये पूरी मूवी जो है ये यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी गॉड मस्ट बी क्रेजी पार्ट वन और अगर ना मिले तो उधर से आप रेंट भी कर सकते हैं आई थिंक अस्सी या सौ रुपए की मूवी है तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नाइनटीन की मूवी है अब ये जो मूवी है इससे हम लोग क्या सीखते हैं तो ये जो मूवी है इससे हम लोग क्या सीखते हैं तो जैसे आपने देखा कि ये जो बुशमैन है इसके लिए दुनिया का क्या मतलब है तो जो इसका गांव है वो ही इसकी दुनिया थी देख रहे हैं आप तो हम लोगों के लिए भी जो हमें पता है जो चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं सो वॉटर वी एक्सपीरियंस वॉट एवर वी कैन सी वॉट एवर वी दैट इज आवर वर्ल्ड राइट उसके बाहर हमें लगता है कोई दुनिया नहीं है फॉर हिम देर वॉज नो वर्ल्ड आउटसाइड आप देख रहे हैं जैसे कि उसने ये जो बॉटल है, है जबकि बाकी लोगों को लगता था फालतू की चीज है बट इनके पूरे गांव को लगता था कि यह अद्भुत वस्तु है इट इज अ ट्रेजर ओके फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज यूजलेस बट फॉर देयर विलेज इट वॉज समथिंग वेरी वेरी रियल एंड वेरी वेरी वैल्युएबल राइट एंड हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हम देख रहे हैं कि ये ही रियलिटी है इसके बाहर कुछ भी नहीं है जैसे ये देख रहे थे आप कि इसके लिए दुनिया का छोर क्या था तो वट ऑज द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिम फॉर हिम द एंड ऑफ द माउंटेन वो जो दिखाया उधर लेज दिखाया कि नीचे क्लाउड्स हैं तो वो दुनिया का एंड था बट यू नो दैट द वर्ल्ड इज मच मच बिगर ओके सो इन द मूवी वी कैन सी ओके तो आप देख रहे हैं कि हम लोग देख के समझ सकते हैं बात बट ये जो आदमी है जो मूवी के अंदर था ये उस चीज को रियलाइज नहीं करता क्योंकि इसकी बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है ये गांव से कभी बाहर ही नहीं निकले राइट right? तो इसी प्रकार से आपने भी अपने दिमाग में गांव बनाया हुआ है और हमारे जो रियलिटी है हमारी जो परसेप्शन है हमें लगता है कि हम लोग यही हमारी दुनिया है बट रियलिटी में वो आपकी दुनिया नहीं है तो आप भी जी से अलग नहीं है फर्क सिर्फ इतना है कि जी के हिसाब से गांव बहुत छोटा था क्योंकि आप इंटरनेट जानते हैं हम टीवी जानते हैं हमें लगता है कि दुनिया वाकई बहुत बड़ी है हमें लगता है हमें सब कुछ पता है ओके बट नाउ यू मस्ट थिंक की क्या ये रियलिटी क्या ये सच आई है कि जितना भी आपने देखा है जितना भी समझा है क्या आपने सब कुछ देख लिया है क्या आपने दुनिया का चपा चपा देख लिया है क्या आप दुनिया में हर एक से बात कर चुके हो क्या आपको हर एक तरह का ज्ञान है ओके okay. आपको क्या लगता है कि आपको जितने भी दुनिया में ज्ञान है आपको कितना परसेंट ज्ञान है आपको क्या सेवेंटी परसेंट ज्ञान है एट्टी परसेंट आता है या आपको कुछ फ्रैक्शन में आता है पॉइंट जीरो वन परसेंट या उससे भी कम पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट तो उसके बेसिस पे जो दुनिया आपने बनाई है जो विलेज में आप रहते हो तो इज इट द द इज इट ट्रू पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड राइट तो हमारी जो लिमिटेशन है तो जो ये सोचते थे कि हाँ हमारी दुनिया इतनी सी है तो जो हमारी लिमिटेशन है वो सिर्फ हमारे दिमाग में है ठीक है ना और उसकी वजह से जो हमारे एक्शन है तो जैसे आपने देखा कि इनके बड़े ही सिंपल से एक्शन से ये विलेज में रहते थे उसी तरह से बहुत ही सिंपल लाइफ थी क्योंकि इनको लगता था कि दुनिया इतनी सी है इनके लिए कोई गाड़ी नहीं कोई ऑटोमोबाइल नहीं कोई एरोप्लेन नहीं कोई कोक की बॉटल नहीं थी राइट इसी प्रकार से जो आप समझते हैं कि आपकी दुनिया है उसी के हिसाब से अपने गोल्स बनाते हैं और वो गोल्स बहुत लिमिटेड होते हैं और उसकी वजह से हमारे एक्शन भी बहुत लिमिटेड होते हैं राइट अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी मूवी की तरफ सो लेट अस नाउ कम टू अनदर अमेजिंग मूवी ये बिल्कुल एकदम इसकी ऑपोजिट मूवी है तो एक सेकेंड दीजिए मैं ये मूवी आपके लिए लगाता हूं so guys, ये जो है, मैं आपको दिखा रहा हूं नजरिए okay, sure से देखेंगे। तो जो मूवी है एक बार मैं quickly आपको दिखाता हूँ इसमें दिखाया गया कि ये थॉमस एंडरसन या इनको नियो भी कहते हैं तो ये कंप्यूटर हैकर थे और दौरान पर इनका कनेक्ट होता है किसी और पर्सन के साथ में जिसका नाम है मॉर्फियस तो ये एक और हैकर है और इनसे इनकी बात होती है तो उन्हें बताते हैं कि नियो जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हो ना वो रियल वर्ल्ड नहीं है ठीक है वो खुद एक सिमुलेशन है और इसको जानने के लिए आप मेरे पास आओ तो मॉर्फियस से मिलने के लिए आता है नियो और मॉर्फियस उसको दो चॉइस देते हैं कहते हैं कि नियो आ, ये जो वर्ल्ड है इसमें ना जो आपको लगता है रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है अगर आपको असली रियलिटी जाननी है तो आपको चूज करना पड़ेगा अगर आप ये ब्लू पिल खाओगे तो आप फिर से सो जाओगे और फिर से आपके लिए दुनिया वैसी हो जाएगी जैसी कल थी ठीक है लेकिन अगर आप रेड पिल चूज करोगे तो आप जो है जग जाओगे ठीक है ना आप असली दुनिया के बारे में जानने लगोगे बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप फिर से इस दुनिया को कभी भी उस नजर से नहीं देखोगे तो ये दुनिया आपके लिए खत्म हो जाएगी तो अब आप चूज करो और जैसा कि आप जानते हैं मूवी में हुआ कि नियो ने जो है रेड पिल चूज करी और जैसे ही वो रेड पिल खाते हैं तो सडनली नियो जो है एक और रियलिटी में जागते हैं वो देखते हैं कि वो एक बायो उसमें रह रहे हैं बायो बेड में रह रहे हैं तो इज लिविंग इन अ चैम्बर और वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड और ऐसे हजारों चैम्बर उनको दिखाई देता है तो ये रियलिटी देख के वो बिल्कुल घबरा जाता है वो देखते हैं कि ऐसे हजारों बेड हैं फिर ये दिखाते हैं कि एक मशीन उनको उठा लेती है और नियो का जो ये शिप है सॉरी मॉर्फियस की जो शिप है वो उन्हें लेने आती है ओके तो मॉर्फियस उन्हें समझाते हैं कि जो रियलिटी को हम रियलिटी मानते हैं वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है और वो जो है रियलिटी वो एक क्रिएटेड रियलिटी है ओके वो रियलिटी जो है कंप्यूटर्स का और आदमी की लड़ाई हुई तो जैसे हम कहते हैं ना कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इतनी पावरफुल होगी कि उसने पूरी दुनिया को कब्जा कर लिया और उसने लोगों को तो यहाँ पे जो दिखाया गया है कि जो लोग हैं जो लोगों को एज अ बैटरी इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इसको चलने के लिए बहुत पावर चाहिए थी और उसमें दिखाया गया कि ये कोई न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हुआ तो सन की पावर आनी बंद हो गई तो पावर के लिए जो ह्यूमन वॉर्म्थ होती है जो हमारी बॉडीज वम होती है तो हमें एज अ बैटरी इस्तेमाल करने लग गया कंप्यूटर बट uh, इतने सारे लोगों को जिंदा नहीं रख पा रहा था कि उनको जिंदा कैसे रखे क्योंकि उनको ऐसे उनका दिमाग जो है खराब हो जाता था कि अगर उनका ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसने क्या करा कंप्यूटर ने कंप्यूटर ने उनके लिए एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाया और सब लोग जो है उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो सेम तरह का आर्टिफिशियल वर्ल्ड है उसमें सब लोग रह रहे हैं और हमें लगता है कि वो ही रियल है ये सुनकर के नियो को बड़ी परेशानी हुई क्योंकि ये देख रहे हैं आपकी ये रियल वर्ल्ड था तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है टाइम टू टाइम हम इस कंप्यूटर से लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग मिल करके उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जाते हैं और जा करके कोशिश करते हैं कि आपके जैसे लोगों को ढूंढें और उनको अपनी लड़ाई में शामिल करें फिर उन्होंने दिखाया कि जो भी हम लोग लिमिटेशन को समझते हैं जो कंप्यूटर की बनाई हुई रियलिटी है जो लिमिटेशन को हम समझते हैं वो एक्चुअल में रियल लिमिटेशन है ही नहीं ओके तो वो सब एक आर्टिफिशियल रियलिटी है जब आप उससे जग जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि जैसे हम उड़ नहीं सकते आपको लगता है कि ये दुनिया हम इसमें उड़ नहीं सकते बट जब हम इस चीज से जग जाते हैं तो आप समझते हो कि नहीं आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो इस कंप्यूटर की बनाई हुई दुनिया में एक्चुअली में आप उड़ भी सकते हो तो ये जो भी लिमिटेशन है वो रियल नहीं है फिर इसमें दिखाते हैं कि जो कंप्यूटर है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे नियो की लड़ाई होती है और क्योंकि अब जो नियो है वो उस चीज को समझ चुके हैं कि जो लिमिटेशन है वो रियल नहीं है तो दिखाते हैं कि वो इस तरह के एक्शन करते हैं जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है राइट right? तो काफी लड़ाई झगड़ा होता है और फाइनली जो दिखाते हैं कि उसको गोली मार दी जाती है नियो को गोली लग जाती है बट क्योंकि नियो जो है अब जग चुके थे और अपनी पावर को रियलाइज कर चुके थे तो वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और ये दिखाया गया है कि वो ये देखिए पूरा देख पाते हैं कि ये जो एक्चुअल में वर्ल्ड है कई गुना ज्यादा पावरफुल है तो दिखाया गया कि वो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुस करके ही उसको मारना शुरू कर देते हैं और ये दिखाते हैं कि जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो वो अपनी पावर्स को रियलाइज करते हैं देखते हैं कि मैं उड़ भी सकता हूँ तो आइए दोस्तों समझते हैं कि ये जो मैट्रिक्स मूवी है इससे हमें क्या सीख मिलती है हमें क्या समझना चाहिए इससे तो इस मूवी में दिखाया गया कि वी आर लिविंग इन आर्टिफिशियल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर ने क्रिएट किया हुआ है बट अगर आप ध्यान से सोचें तो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो भी एक कंप्यूटर ने क्रिएट किया है वो कंप्यूटर बाहर नहीं है वो कंप्यूटर आपके अंदर है और वो कौन सा कंप्यूटर है वो मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्रेन की आपके दिमाग की सो इट इज योर ब्रेन दैट इज क्रिएटिंग ऑल द रियलिटी तो हमारा जो माइंड है इट इज़ लाइक अ कंप्यूटर और ये जो कंप्यूटर है इसका क्या काम है डेंजर देखना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पुराने टाइम में कोई शेर आ सकता है कोई सांप काट सकता है कोई और तरह के दस तरह के खतरे होते थे तो हमारा माइंड जो है हमें प्रोटेक्ट करता है डेंजर्स के अगेंस्ट तो कंटिन्यूअसली हर एक चीज में डेंडर डेंजर को ढूंढता है और उसको आप कोई भी प्रॉब्लम दे दें तो माइंड सोचेगा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है लेकिन जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां पर कोई डेंजर नहीं है क्योंकि आपको पता है जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं कोई शेर नहीं आने वाला आपके पास में कोई रोज आपको कोई सांप नहीं दिखाई दे रहे या चीते नहीं दिखाई दे रहे ठीक है रोज आप खाई में नहीं गिरने वाले हैं तो क्या होता है कि ऐसे केस में माइंड खुद से जहां प्रॉब्लम्स ना मिले डेंजर ना मिले तो वो प्रॉब्लम्स और डेंजर क्रिएट कर लेता है कैसे करता है क्रिएट वो आपको पिक्चर दिखाता है फ्यूचर की कि फ्यूचर में आपकी जॉब जा सकती है फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद हो सकता है फ्यूचर के अंदर में यहाँ पे वॉर हो सकती है ये हो सकता है वो हो सकता है और कंटिन्यूसली आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाता रहेगा इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर फिर आप बिजी रहोगे सारे टाइम एंगेज रहोगे कि अच्छा ये हो सकता है ये हो सकता है सारे टाइम आप चिंता करते रहोगे तो अभी जो है आपको जैसे मैट्रिक्स में दिखाया है कि नियो को पता लगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों को ट्रैप कर रखा है ताकि वो जगे ना ठीक है ना दैट दे डोंट वेक अप आर ऑलवेज ट्रैप्ड इन द मैट्रिक्स वो अपने दिमाग में ही बिजी रहे तो हमारा जो माइंड है उसने भी हमें ट्रैप कर रखा है हम लोग एक ड्रीम वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं ओके और वो ड्रीम वर्ल्ड भी क्या वो एक हॉरर वर्ल्ड है ठीक है ताकि हम सारा टाइम जो है वो फ्यूचर के बारे में वरी करने में निकाल दें राइट और हम असली में जाग ना पाए ओके सो वी डू नॉट वेकअप टू द रियल रियलिटी तो हमें करना क्या है हमें करना क्या है तो आप ये सोच रहे होंगे कि संजीव ने ये दो मूवी दिखा दी कि गॉड्स बी क्रेजी द वे ट्रिक्स ओके तो अब हमें करना क्या चाहिए तो ये क्या गोल्स ही ना बनाए टारगेट्स ही ना बनाए तो अगेन आपको ये बात समझनी है कि जो गोल्स और टारगेट्स हम लोग क्रिएट करते हैं तो जैसे हमने जी को देखा था गॉड्स बी क्रेजी में तो वो बेस्ड है हमारी लिमिटेड रियालिटी के ऊपर तो जो हमें लगता है कि हमारा गांव है हमारा वर्ल्ड है ठीक है जो हमें लगता है हमारा वर्ल्ड है हम उसके बेसिस पे उसको क्रिएट करते हैं बट इन रियलिटी हमारा जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है जैसे आपने देखा नियो को देखा कि मैट्रिक्स से बाहर आने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि मैं उड़ भी सकता हूं मैं सुपर स्पीड पे लड़ाई भी कर सकता हूं मैं बुलेट्स को डॉज भी कर सकता हूं तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो आप ये समझें कि जो भी गोल्स आप बना रहे हैं वो आपके लिमिटेड माइंड से आ रहे हैं ओके okay, तो बहुत ही छोटे गोल्स हैं दूसरी बात आपको ये समझनी है कि बाय गेटिंग अटैच टू एनी पर्टिकुलर गोल्स तो हम लोग जो गोल्स बनाते हैं जो टारगेट्स बनाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो माइंड है हमें वो एक मेट्रिक्स में ट्रैप कर देता है क्योंकि फिर जो हमारा माइंड है कि आपने गोल बना लिया कि इस साल मैं करूंगा इस साल मैं ये करूंगा या ये मेरा टारगेट होगा तो उसमें हमने गोल बना लिया और उसके बाद माइंड दिखाता रहता है कि अच्छा ये गलत हो सकता है ये गलत हो सकता है तुमने ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया तो हमेशा हमारे को या तो पास्ट की याद दिलाता रहता है कि देखो पहले क्या हुआ था पहले ऐसे हुआ था पहले वैसा हुआ था और फ्यूचर में क्या क्या गलत हो सकता है वो हमें उसकी याद दिलाता रहता है और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों जिसका आप ध्यान से अगर सोचें कि जो हमारे गोल्स है वो बेस्ड है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है तो हम लोग जो भी गोल्स बनाते हैं हम लोग पास्ट के ही कुछ गुना गोल्स बनाते हैं जैसे अगर आपकी सैलरी एक लाख आपको होगी ठीक है मेरी सैलरी अब दस लाख हो जाएगी तो आपने क्या करा पास्ट को टेन टाइम्स कर दिया जबकि फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल है तो हम लोग हमेशा अपने आप को लिमिटेड करते हैं तो अब हमें करना क्या है कि जैसे नियो ने पहले मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या किया गया कि एक रेड पिल खाई तो आपको भी एक रेड पिल खानी है ताकि सबसे पहले तो आप जाग जाए सो यू हैव टू वेक अप फर्स्ट ओके तो यू हैव टू वेक अप फर्स्ट अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेड पिल क्या है सो वॉट इज द की टू वेकिंग अप ये रेड पिल कहां से मिलेगी आपको तो ये रेड पिल मैं आपको देता हूँ सो द की इज टाइम ओके ये जो ये जो लाल टैबलेट है ये जो लाल गोली है ये टाइम है ओके okay, तो पहले आपको ये रियलाइज करना है ओके okay, ऐसी एक्चुअली में मैं कुछ खाने के लिए नहीं दे सकता आपको बट आपको समझा सकता हूँ कि और ये अगर आप समझ लेते हैं तो इसको सॉल्व करने की इस पजल को सॉल्व करने की जो रियल की है वो टाइम है तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल में टाइम नहीं होता हाँ क्लॉक होती है देर इज क्लॉक क्लॉक बताती है कि इस टाइम क्या टाइम हुआ है एक बज रहे हैं दो बज रहे हैं तीन बज रहे हैं चार बज रहे हैं बट कोई पास्ट नहीं होता कोई फ्यूचर नहीं होता जब हम पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं वो चीज हमारी क्रिएटेड चीज है उसको हम साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं ओके okay, जबकि क्या टाइम एग्जैक्टली exactly हो रहा है कि इस टाइम पर सुबह के साढ़े सात बजे हैं सेवन थर्टी एम तो दैट इज क्लॉक टाइम सो देर इज नो पास्ट और फ्यूचर बिकॉज रियलिटी में अभी के अलावा क्या है आपके पास में आप पास में कुछ जाके कर नहीं सकते आप फ्यूचर में कुछ जाके कर नहीं सकते तो आपको समझना है कि पास्ट और फ्यूचर ये आपके माइंड की क्रिएशन है ये रियल नहीं है हाँ क्लॉक टाइम होता है कि इस समय क्या टाइम हो रहा है राइट और होता क्या है कि अगर हम लोग फ्यूचर या पास्ट की सोचते हैं तो आप हमेशा अगर आपको लगता है कि मैं ना अभी वरिड हूं आप खुद ध्यान से देखें कि जब आप वरिड होते हैं जब आप टेंस होते हैं जब आप स्ट्रेस्ड अप होते हैं तब आप रियल वर्ल्ड में नहीं होते तब आप नाउ में नहीं होते या तो आप फ्यूचर में होते हैं फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे होते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा कल को उसको, उसको नौकरी मिलेगी या किस तरह का वो बिजनेस करने वाला है ठीक है कल को मेरे बिजनेस में क्या होने वाला है मेरे इंप्लाइज क्या करेंगे मेरा कॉम्पिटिशन क्या करेगा तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर नॉट इन द नाउ वी आर नॉट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वी आर इन द ओके ये माइंड ने क्रिएट कर रखा है आपके लिए मेट्रिक्स आप उस मेट्रिक्स के अंदर है या आप पास में सोच रहे थे कि आदमी ने मेरे साथ ऐसा करा उसने मेरे साथ ऐसा करा मेरे साथ ऐसा हुआ बचपन में ऐसा हुआ मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कहा तो अगेन कहा है आप वेर आर यू यू आर इन द मेट्रिक्स ओके यू आर नॉट इन द रियल वर्ल्ड आपको क्या करना है आपको जागना है ओके okay. और जो जागने की मैं बात कर रहा हूँ यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट ठीक है और टेंस क्यों जाते हैं क्योंकि ना तो पास में कुछ कर सकता है ना फ्यूचर में कुछ कर सकता है तो क्या होगा सिर्फ टेंशन ही होगी क्योंकि आप रियलिटी में तो कोई एक्शन ले नहीं सकते राइट right? तो अब इसका की क्या है कि आप गोल्स और टारगेट्स बनाइए तो अगर आप निकलेंगे ही नहीं आप कुछ करेंगे ही नहीं ओके तो कुछ भी होने वाला नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गोल्स और टारगेट्स यूजलेस है मैं आपसे कह रहा हूं कि गोल्स और टारगेट्स बनाइए बट उनसे अटैच मत करिए अपने आप को उनसे अटैचमेंट मत करिए उनसे तो उनको जो है एकदम अपना पूरा फोकस ना बनाए उनको सिर्फ एक डायरेक्शन माने ठीक है ना तो जैसे आज हम कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा खाना है खाना खाना है आज बहुत अच्छा बड़ा बढ़िया खाना खाएंगे तो एक तो होता है कि आप कहते हो कि ठीक है मेरे घर के बाहर एक मैकडोनल्ड है मैं वहां जाके खा लूंगा नहीं ऐसा नहीं करना हम एक डेस्टिनेशन चूज नहीं करते हम कहते हैं बहुत अच्छा खाना खाना है ठीक है ऐसा करते हैं गुड़गांव की तरफ निकलते हैं देखते हैं रस्ते में क्या आता है देखते है क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं अगर कोई अच्छी चीज लगी जैसे अरे वाह कूड़े मल की कुल्फी की दुकान आई है चलो कुल्फी खा के देखते हैं अरे वाह ये किस चीज की दुकान आई है ये तो मैंने शॉवरमा तो कभी खाया नहीं आई है चलिए ये ट्राई करके देखते हैं क्या तो कंसिडर दिस टू बी जस्ट अ डायरेक्शन नॉट अ डेस्टिनेशन तो जो गोल और टारगेट आप बना रहे हैं उनको सिर्फ एक डायरेक्शन माने उनको एक डेस्टिनेशन ना माने और जो ये आपको चीज कंसिडर करनी है कि जो हमारी लाइफ का जो गोल है जो हम लोग लाइफ जिसको हम पर्पस किया है उस लाइफ का वो एक जर्नी है ठीक है ना तो जो लाइफ है वो एक एडवेंचर ट्रिप होना चाहिए ना कि एक डेस्टिनेशन ठीक है ना जैसे कि आज आप किसी जगह जाते हो आप कहते हो ठीक है मैं कॉर्बेट पार्क जाऊंगा वहां पर जंगल में जाएंगे देखे हमारे को शेर दिखाई देंगे हमारे को रिवर दिखाई देगी सुंदर सी हमारे को एलिफेंट दिखाई देंगे तो कितना मजा आएगा ठीक है ना जब आप जा रहे हो तो जंगल में आपको पता नहीं होता कि कब कहाँ पे क्या चीज आ रही है अरे वाह वो देखो वो एक सुंदर बर्ड दिखाई दे रहा है ठीक है ना अरे मैंने तो कभी ऐसा बर्ड देखा ही नहीं तो आप देख रहे हैं तो लाइफ जो है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है वो एक एडवेंचर ट्रिप है ठीक है ना और लाइफ के अंदर में हमारा पर्पस क्या होना चाहिए इज इट टू कलेक्ट थिंग्स नो इट इज नॉट टू कलेक्ट थिंग्स ठीक है चीजें आएंगी आपके पास में मेटेरियल थिंग्स गाड़ी आएगी बंगला आएगा पैसे आएंगे बट जो रियल चीज आपके लिए है, वो है एक्सपीरियंसेस. तो आपको पृथ्वी पे धरती पे क्यों भेजा गया है कि आप जो जो एक आ, मैं कहूंगा यूनिवर्सल एनर्जी है ठीक है आप उसे गॉड भी कह सकते हैं भगवान भी कह सकते हैं जो भी कहना चाहे कह सकते हैं उसने आपको क्यों भेजा है कि उसके बिहाफ पर एक्सपीरियंसिस कलेक्ट करने के लिए तो लाइक द नथिंग इज रियल सो इट हैज नो वैल्यू तो जो चीजें आप कलेक्ट करते हैं वो अल्टीमेटली तो ही रह जानी है तो उनकी इतनी वैल्यू क्या है तो आपने मूवी में देखा गॉड बी क्रेजी तो वो जो बॉटल थी जो आई सबको वो अच्छी लगने लगी लोग उसको इस्तेमाल करने लगे और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होने लगे राइट right. तो वो जो बॉटल है वो जो बॉटल है वो उनके लिए एक मेटीरियल चीज बन गई और बहुत ही गईबल चीज बन गई जबकि मेरे लिए बट जो चीजें आपको वर्थवा वो जो आपके से भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं उनको लगता है कि अगेन ये यार क्या पागलों की तरह से इसके पीछे पड़े हुए राइट ठीक है ना अगर आप ध्यान से देखें तो जिन चीजों के आप पीछे भाग रहे अरे ये गाड़ी या बंगला उनको भी लगता है कि अरे ये ये तो ये तो जी बुशमैन है ये काला वो जी बुशमैन कालारी में रह रहा था आप अपनी सिटी में रह रहे हैं बट ज्यादा फर्क नहीं है फर्क सिर्फ एक थोड़े से लेवल का है राइट तो जैसे मैट्रिक्स है उसमें कुछ भी रियल नहीं है ये सब आपके दिमाग में है कि आपका माइंड जो है हर एक चीज को वैल्यू देता है ताकि वो कैलकुलेट कर सके आपको बिजी रख सके कि ये ले ले ये ज्यादा अच्छा है ये फोन ले ले ठीक है ये लैपटॉप ले ले ठीक है और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी गोल और टारगेट आप बनाते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे ताकि हम एक ट्रिप को शुरू कर सके अपनी एडवेंचर ट्रिप को शुरू कर सकें तो गोल हमने बना लिया टारगेट हमने बना लिया क्योंकि वैसे भी वो गोल और टारगेट आपके लिमिटेड माइंड बना रहा है ठीक है ना जो रियल पोटेंशियल है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है ना आपने देखा ना कि जब आप जाग जाते हो तब जाके आपको पता लगता है कि हम तो उड़ भी सकते हैं हम तो ये भी कर सकते हैं अगर हम अपने माइंड से यानी अपनी मैट्रिक्स के अंदर रहेंगे तो हम एक लिमिटेड पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सकते हैं जो कि वो कंप्यूटर हमें बता रहा है ठीक है ना तो आपका काम क्या है तो आपका काम है इज टू लिव कंप्लीटली एंड फुली, ठीक है ना आपको जागना है ठीक है आपको जो ये ड्रीम है जो मैट्रिक्स बनाया है आपके दिमाग ने एक फ्यूचर और पास को मिला करके जो मैट्रिक्स बना हुआ है तो उससे बाहर आना है बाई बींग प्रेजेंट तो आपको प्रेजेंट रहना है कहाँ पे नाव में रहना है हमेशा वर्तमान में रहना है और आपको क्या करना है कि अपनी सारी एनर्जी सारा ध्यान अभी को देना है प्रेजेंट मोमेंट को देना है नाव को देना है ठीक है फ्यूचर में रहना बंद कर दीजिए पास्ट में रहना बंद कर दीजिए पास्ट के बारे में फ्यूचर पास्ट से सीख लीजिए आप कि हाँ मैंने ये उंगली इस प्लग में डाली थी तो मुझे करंट लगा था तो मैं दोबारा नहीं डालूंगा दैट्स इट पास का इतना यूज है ठीक है ना फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है फ्यूचर में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा क्या क्या नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी इट्स लाइक एन एडवेंचर ट्रिप ओके और कोई प्रॉब्लम होगी तो देखिए आज भी आप जहां तक आए हैं ठीक है थीके? तो आज आप जहां भी आए हैं इतनी सारी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी जब भी कोई इश्यू आई आपने सब चीजों को फेस किया ठीक है तो भगवान आपके साथ है यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ है इट विल टेक केयर ऑफ यू जैसे आज तक टेक केयर किया ठीक है ना आज तक भी तो टेक केयर किया है आपका तो फ्यूचर में भी ऐसे ही टेक केयर करेंगे ठीक है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड योर जॉब इज ओनली टू थिंक ऑफ द नेक्स्ट फाइव मिनट्स आप फ्यूचर की टेंशन छोड़ दीजिए सिर्फ ये सोचिए कि अगले पांच मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ क्या एक्शन ले सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी लाइफ और जो मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ को और ब्यूटीफुल और सुंदर और इंजॉयबल बनाऊं तो ये जो मैट्रिक्स में हम लोग रहते हैं तो देखेंगे आपकी दुनिया में इतनी सारी इश्यूज आज की डेट में चल रही हैं क्यों क्योंकि लोग मैट्रिक्स में रह रहे हैं अब हम रशिया और यूक्रेन के वॉर को अगर हम देखते हैं तो दोस्तों वो क्यों हो रहा है वॉर क्योंकि जो रशिया के प्रेजिडेंट है पुतिन उन्होंने अपनी मेट्रिक्स के अंदर में एक रियलिटी बना ली है जो कि एक्चुअल में गलत है कि कल को नेटो आ जाएगा नेटो जो है रशिया पे अटैक कर देगा ये लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा और उस रियलिटी को रियल मान के उस रियलिटी को रियल मान के क्या हो रहा है कि उन्होंने आज का प्रेजेंट खराब कर लिया ठीक है जो चीज रियल नहीं थी उसको रियल मान के उससे डर के उन्होंने अभी हजारों लाखों लोगों को वॉर में एंगेज कर दिया लोग मर रहे हैं लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं तो आप देख रहे हैं क्योंकि वो जो रियलिटी जो वो सोच रहे हैं वो रियल नहीं है वो मेट्रिक्स में रह रहे हैं ऐसे ही आप देखेंगे कि आप देखते हैं अफगानिस्तान में क्या हुआ सीरिया में क्या हुआ तो वो जो लोग हैं वो भी अपनी अपनी मैट्रिक्स को रियल मानते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा हो जाएगा तो चलो अगर आज आपको लगता है फ्यूचर में कि ये बंदा जो है फ्यूचर में आकर के ये मेरे को मार सकता है तो ऐसा करते हैं आज ही इसका मर्डर कर देते हैं ठीक है ना तो हमने क्या करा कि फ्यूचर के बारे में सोच करके अपना आज ही खराब कर लिया तो हमने जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है जो चीज़ अभी हुई नहीं है ठीक है ना जो हो सकता है कभी हो ही ना उस चीज को रियल मान करके अपना आज खराब कर लिया तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें जाग जाएं सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की सोचें फ्यूचर कुछ नहीं होता फ्यूचर एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है वो एक मैट्रिक्स है जो कि आपका दिमाग बना रहा है ठीक है अगर उसमें रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं होंगे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे कभी भी फुलफिल्ड नहीं होंगे तो हमारी लाइफ जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है ठीक है ना वो एक एडवेंचर है वो एक जर्नी है और उसमें हमें अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करना है और डर करके कि ये ऐसा कर देंगे या ये ये जो ये जो ग्रुप है ये लोगों का ये ऐसा कर देगा ये ऐसा कर देगा हम आज ही ऐसा एक्शन ले लेते हैं कि आज हम इसको मार देते हैं इसको ऐसा कह देते हैं ये करके हम अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं और एक कंप्यूटर को पावर दे रहे हैं कि वो हमारे को जैसे चाहे वैसे नचा सकता है वैसे दौड़ा सकता है और जो अगर हम जाग करके काम करते हैं हम ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे जो कि आपका दिमाग कभी इमेजिन नहीं कर सकता क्योंकि दिमाग जो है वो एक छोटा सा कंप्यूटर है जबकि रियलिटी जो है जो रियलिटी के अंदर में आप भी उसी यूनिवर्सल एनर्जी का पार्ट हो जिसने ये पूरी की पूरी दुनिया क्रिएट करी है तो आई होप कि ये जो दो मूवीज हैं द मेट्रिक्स और गॉड्स मस्ट बी क्रेजी इनसे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला हो एंड uh, आइए अब हम कुछ एक दो छोटी छोटी चीजों की और बात करते हैं तो टेक फ्राइडे में कुछ ना कुछ आज भी अभी तो मैंने बात करी कि हाउ टू थिंक अबाउट गोल्स एंड टारगेट्स तो इट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ योर माइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बींग तो जो हमारी हम खुद हैं ह्यूमन बींग अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो हम अपने पोटेंशियल को नहीं समझेंगे और उन चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए इन कहानियों के द्वारा मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं अब हम बात करते हैं कुछ रियल बिजनेस टेक्नोलॉजी की तो एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप आप, आप लोगों से शेयर करता हूं जो कि मैं अक्सर यूज करता हूं ठहरिये मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं सो so गाइज ये आप देखेंगे कि ये एक टूल है ई स्टूडियो डॉट प्रो तो ये अमित अग्रवाल हैं बहुत ही रिनाउंड प्रोग्रामर हैं वेरी वेरी अमेजिंग प्रोग्रामर इन्होंने गूगल को यूज करके बहुत सारे अमेजिंग टूल्स बनाए तो ये भी एक टूल इन्होंने बनाया इसका नाम है ईमेल स्टूडियो ओके तो इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि ईमेल से रिलेटेड बहुत सारी यूटिलिटीज हैं ओके okay, तो ये एक प्रीमियम टूल है तो एक लिमिट तक आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं उसके बाद इसको आप पेड बेसिस पे यूज कर सकते हैं तो इसके अंदर में देखेंगे कि मल्टीपल टूल्स हैं ईमेल शेड्यूलर ईमेल कॉपियर ड्राफ्ट कॉपियर फॉरवर्डर रिस्पॉन्डर ईमेल क्लीनअप ईमेल मर्ज ओके तो जैसे क्लिक करेंगे आप इस पर तो पहले तो आपको इसको परमिशन देनी होगी इस स्क्रिप्ट को कि वो आपके ईमेल अकाउंट को यूज कर पाए ओके okay, तो अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिए नजर आ रहे हैं आपको देखेंगे ई मेल कॉपियर क्या है तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं तो ये जो टूल है तो यहां आप देखेंगे कि मैंने ना एक मेल बनाई है कि ये एक मेल बनाई मैंने टेक फ्राइडे के बारे में और मुझे अलग अलग इसकी कॉपीज भेजनी होती हैं आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए अब ये मैंने एक मेल तो बना लिया एक मुझे आज भेजना है वेडनजडे को भेजना है थर्सडे को भेजना है फिर मेरे को फ्राइडे के दिन भी भेजना है सुबह भी भेजना है और मीटिंग से शुरू होने से जस्ट पहले भी भेजना है तो मेरे को मल्टीपल कॉपीज भेजनी है इस मेल की तो आपको पता ही है कि ये जो मेल है इसको हम लोग अभी भी भेज सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि ये एक बटन है

तो अब क्या होगा कि ये देखिए ये मैंने अब इसकी मेल की जो है तीन कॉपीज बन जाएंगे देखिए लिख के आ गया अब डेली कोटा आ रहा है लेफ्ट इज ट्वेंटी टू ड्राफ्ट तो मतलब बाईस और मैं ऐसी कॉपीज बना सकता हूं अगर मैं इसको बंद कर देता हूं और अगर मैं यहां जाऊंगा ड्राफ्ट में तो ये देखेंगे कि ड्राफ्ट में इसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं अब मैं क्या कर सकता हूं कि जो मुझे अभी भेजनी है उसको मैं सेंड कर सकता हूं जो मुझे बाद में भेजनी है उसको मैं शेड्यूल्ड सेंड कर सकता हूँ देख रहे हैं आप तो ऑफकोर्स मेरे को इसमें रिसिपिय वगैरह डालना पड़ेगा और यहाँ पे मैं ये बटन दबाऊंगा शेड्यूल्ड सेंड और देखिए मैं अपने हिसाब से जिस डेट और जिस टाइम पे मैं इस ईमेल को भेजना चाहता हूँ सपोज मैं इसको टेन थर्टी पे भेजना चाहता हूँ सेवेंथ को तो मैं शेड्यूल सेंड कर सकता हूँ तो अब क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कॉपीज हैं मल्टीपल ड्राफ्ट बन गए तो ये आसान हो जाता है मेरे लिए तो देख रहे हैं कि बहुत ही अमेजिंग टूल है और आप एक ही मेल के मल्टीपल कॉपीज कर सकते हो इसी प्रकार से इसमें एक शेड्यूलर है तो सेंड ई मेल लेटर विद जी मेल तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी तरीके से जैसे मैंने ड्राफ्ट चूज किए तो आप उन ड्राफ्ट को जो है किसी भी टाइम पर जैसे आपने ड्राफ्ट चूज कर लिया और इसका नाम बना सकते हैं कि आपको एक बार भेजना है या फिर इसको मल्टीपल टाइम पे भेजना है मतलब तो ये रेकरिंग मेल्स भेज सकता है आपके लिए आप आवरली बेसिस पे भेजना चाहते हैं डेली बेसिस पे भेजना चाहते हैं वन टाइम भेजना चाहते हैं फ्यूचर में तो क्योंकि जो ये सेंड लेटर फीचर है उससे हम एक बार तो भेज सकते हैं बट कुछ ऐसे रिमाइंडर्स होते हैं जो कि आप वीकली किसी को भेजना चाहते हो कि अच्छा आपको ये रिपोर्ट भेजनी है मुझे ठीक है ना या आपने क्या ये काम कर दिया है कि नहीं कर दिया है तो इससे आप रेकरिंग मेल्स भेज सकते हैं आप देख रहे हैं तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टूल तो इससे आप रेकरिंग मेल्स भेज सकते हैं ऐसे ही इसमें एक और इंटरेस्टिंग टूल है फॉरवर्डर जिसके अंदर की सर्टन रूल्स के बेसिस पे कि अगर ये मेल यहां से आए या इसको इस ईमेल आई को आए इसमें सब्जेक्ट हो किसी फोल्डर में हो तो आप इसको फॉरवर्ड कर दो इसी प्रकार से इसके अंदर में रिस्पोंडर है कि अगर सपोज आज आपके पास में कोई इंक्वायरी आती है या उसमें कोई कीवर्ड्स होते हैं तो उसको जो है एक सलेक्टेड थैंक यू मेल चला जाए या फिर अगर किसी आपको इनवाइट भेजना है किसी ने रजिस्टर किया किसी वर्कशॉप के लिए तो मैं उसको इससे लगा दूंगा तो उससे उसको जूम का लिंक चला जाएगा तो आप देख रहे हैं कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जिससे कि अपने आप से उसको रिस्पॉन्स चला जा सकता है फिर आप इसके अंदर में क्लीन अप कर सकते हैं अगर कोई सर्टन कंडीशन मीट होती है तो उससे वो जो पर्टिकुलर ईमेल है उसको आप आर्काइव कर सकते हैं उसको जो है स्टार लगा सकते हैं ट्रैश में डाल सकते हैं मार्केस रेड कर सकते हैं या फिर उसको किसी पर्टिकुलर लेवल में भी शिफ्ट कर सकते हैं और एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है वो है ईमेल मर्ज ओके तो ये जो ईमेल मर्ज है लीजिए और उसके अंदर में आप जो है मल्टीपल रिसिपियंट को वो मेल भेज सकते हैं यू कैन सेंड अल टू मल्टीपल रिसिपियंट लाइक अ सेपरेट मेल तो हर एक को अलग एक मेल बन के जाएगी तो ये जो है इसकी प्राइसिंग पे एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी नॉर्मल वर्जन में कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे कि ट्वेंटी ईमेल्स भेज सकता है ये शेड्यूल करके और उसमें कुछ ब्रांडिंग आ जाती है ईमेल सेंड बाय ईमेल स्टूडियो ठीक है फिर आ, ये अलग अलग उसकी थोड़ी थोड़ी लिमिटेशन हैं आप चाहें तो इसका लाइसेंस भी खरीद सकते हैं बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले इसको फ्री में ट्राई करिए हो सकता है फ्री में ही आपका बहुत अच्छा काम हो जाए और जब आपको लगे जरूरत तो आप अमित के इस टूल को जो है आप परचेज भी कर सकते हैं तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई होप कि आपको आज का जो टेक फ्राइडे है वो कुछ यूजफुल लगा होगा कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी जिनको यूज करके कि आप लाइफ में जो गोल सेट करते हैं उनको एक डिफरेंट तरीके से आप देखेंगे और अपने पोटेंशियल को रियल पोटेंशियल को समझेंगे लाइफ को एक एडवेंचर मानेंगे ना कि एक डेस्टिनेशन और हर एक मिनट का हर एक पल का पूरा मजा लेंगे सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर एंड आई लुक फॉर टू सींग यू इन द नेक्स्ट टेक फ्राइडे सो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट वीकेंड